Welcome to the Tech and Trainer channel. So today I am going to telling about group policy 6. So in this video we will going to learn about use of this particular policy in our system. तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम स्टोरिंग लैन मैनेजर हैज, मतलब अपनी विंडो को थोड़ा सा सिक्योर रखने के लिए हमें क्या है इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, मतलब इसे मेनली इसे एनेबल रखना चाहिए, जिससे क्या है कि जो हमारा पासवर्ड है वो थोड़ा मोर सिक्योर वे में इनक्रिप्ट हो एज कम्पेयर टू ओल्ड वे. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिफाई कर दूं कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी किस चीज़ के लिए होती है. ये क्या है कि विंडो जो जनरेट करता है, जो भी हम पासवर्ड मतलब अपने विंडो के लिए सेट करते हैं, वो पासवर्ड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव होता है, जो नॉर्मली सेव होता है एल एम हैज में, ठीक है ना. बट विंडोज़ में दो ऑप्शन होते हैं, एल एम हैज एंड एंटी हैज. एल एम डैट मीन्स लैन मैनेजर हैज एंड एंटी हैज मीन्स विंडोज लैन मैनेजर हैज एंड विंडोज एंटी हैज, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लैन मैनेजर हैज थोड़ा सा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ठीक है. तो मेनली क्या डिसेबल रहता है, तो डिसेबल रहने का मतलब है कि ये वाला मोड ऑन है, ठीक है, और एनेबल करने का मतलब ये वाला मोड ऑन हो जाएगा. तो ये क्या करता है कि स्टोर पासवर्ड को स्टोर करता है लोकल सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर में, ठीक है, डेटाबेस में. तो एल एम हैज वीक होता है और वो इजीली हैक हो सकता है, बट अगर हम उसे एनेबल कर देंगे एंटी हैज को, देन इट विल बी गुड फॉर अस. ओके, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. सबसे पहले हम रन कमांड ओपन करेंगे, विंडो आर प्रेस कर सकते हो आप एंड अदर काइंड ऑफ आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या करना है, gpedit.msc, ठीक है, आई थिंक समथिंग मिस्टेक, gpedit, ठीक है. तो इसमें हम चाहेंगे सबसे पहले विंडो सेटिंग में, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. विंडो सेटिंग में हम जाने के बाद अब इसमें जाएंगे सिक्योरिटी सेटिंग. सिक्योरिटी सेटिंग में हम जाएंगे लोकल पॉलिसीज. लोकल पॉलिसीज़ में सिक्योरिटी ऑप्शन, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली क्लिक ही कर देंगे. अब इस पर राइट साइड पे आते हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना है नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी. तो हम एन प्रेस करेंगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी पे आ जाएंगे. वी आर गोइंग टू प्रेस एन टू कमिंग टू द नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी एंड वी आर फाइंडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी डू नॉट स्टोर लैन मैनेजर हैज वैल्यू ऑन नेक्स्ट पासवर्ड चेंज पॉलिसी. मतलब इसका सिंपल मतलब यह है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम लैन मैनेजर हैज को डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है. करेंटली क्या है, वो एनेबल है. एनेबल मींस वो भी डिसेबल मोड में है. तो अब अगर हम उसे एनेबल कर देंगे तो ये लैन मैनेजर मोड डिसेबल हो जाएगा, वो एक्टिव कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ एंटी हैज. ओके, तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में. डू नॉट स्टोर, आपको आई थिंक फाइंड आउट हो गया होगा, डू नॉट स्टोर लैन मैनेजर हैज़ वैल्यू ऑन द नेक्स्ट पासवर्ड चेंज. जब भी हम अगला नेक्स्ट पासवर्ड चेंज करेंगे तो ये हमें एनेबल होना चाहिए, ठीक है. तो ये हमने एनेबल कर दिया, अप्लाई एंड ओके. तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी को फिर से अपडेट करेंगे. आपको पता ही है कमांड्स, जीपी अपडेट, ठीक है, यू कैन यूज़ फोर्स ऑल्सो. तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स. ओके, तो अभी अपडेटिंग पॉलिसी कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता है. तो पॉलिसी अपडेट होने का, जब भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो वो विंडोज़ एंटी हैज मोड में सेव होगा, जो कि काफ़ी इनक्रिप्टेड रहता है, वो ईजिली क्रैक नहीं हो सकता. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.